सूरदास का अगला पद है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, शीर्षक है मधुबन सब कृतज्ञ धन मिले। हम पढ़ रहे थे कि कैसे गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है, और पिछले पद में गोपियों ने नकारते हुए उद्धव को यहाँ तक कि कह दिया है कि जाहु जाहु उद्धव, जाने हो पहचाने हो, कि अब आप यहाँ से चले जाए, व्यंग करते हैं। यह जो पद हम पढ़ने वाले हैं, मधुबन सब कृतज्ञ धर मिले, इसमें भी गोपियों ने मथुरा के जो लोग हैं, ठीक है, जहां से उद्धव आए हैं, ठीक है, और कृष्ण भी मथुरा में है, कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके भेजा है, तो नाराजगी जाहिर करते हुए, व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए उद्धव को कहती हैं कि मथुरा के लोग जो हैं वह अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वो कृतज्ञ नहीं होते हैं, परोपकारी नहीं होते हैं, उनकी कमियां गिना रही हैं गोपियां, और यह भी बता रही हैं कि मथुरा के लोगों ने कैसे हमारे साथ छल किया है, उसी का वर्णन इस पूरे पद में मिलेगा आपको। कहा मधुबन सब कृतज्ञ धर मिले, कह तो रही है कि मथुरा के लोग कृतज्ञ होते हैं और धर्मात्मा होते हैं, लेकिन वास्तव में कृतज्ञ नहीं मानती, उलाहना देते हुए कहती है, जैसे कि कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जो बहुत ही कठोर हो, दुष्ट हो, तो आप कहें कि वाह आप तो बहुत दयालु आदमी है, आई बस समझ में ना, ठीक वैसे ही गोपियां उल्टी बातें कह रही हैं, ठीक है ना, पलट कर बात कह रही हैं, उसके उल्टा कहना चाह रही हैं, वो कहना चाह रही हैं कि मथुरा के लोग न तो कृतज्ञ होते हैं न तो धर्मीले होते हैं, लेकिन यहां कह रही है उसी बात को, मधुबन सब कृतज्ञ धर्मीले, मथुरा के सब लोग जो हैं वो कृतज्ञ होते हैं, परोपकारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। कहा अति उदार पर हित डोलत है, बोलत बचन सुरीले, मधुबन सब, आप लोग आज गा क्यों नहीं रहे, हर बार बोलना पड़ेगा क्या, अति उदार पर हित डोलत है, बोलत बचन सुरीले, मधुबन सब कृतज्ञ धर मिले। कहा कि अति उदार दयालु, सभी लोग अत्यंत दयालु होते हैं, परहित डोलत है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए भागे भागे चले आते हैं, दौड़ जाते हैं, और बोलत वचन सुरीले, उनकी आवाज भी क्या होती है, बहुत सुरीली होती है, मीठी होती है, लेकिन यहाँ पे काक वक्रोक्ति अलंकार है, तात्पर्य यह है कि वह लोग उदार नहीं होते हैं, ठीक है, दूसरों की चिंता उन्हें नहीं होती है, और उनकी आवाज भी मधुर नहीं होती है, आई बात समझ में ना, इसके विपरीत वो कहना चाह रही है, ठीक है, इसलिए सारी बातें कह रही हैं, और कैसे गिनती कर रही हैं कि कैसे मथुरा के लोगों ने हम गोपियों के साथ छल किया है, उसका जिक्र किया। कहा प्रथम आय गोकुल सुफलक सुत, लय मधुपुरी ही सिधारे, मधुबन सब कृतज्ञ धर मिले, कि सबसे पहले मथुरा से जो लोग आए और उन्होंने क्या क्या छल किया, एक एक करके उसका वर्णन गोपियां कर रही हैं और कह रही हैं, प्रथम आए गोकुल सुफलक सुत, लय मधुपुरी ही सिधारे, ठीक है, एक सुफलक हुए, सुफलक के पुत्र जो थे उनका नाम था अक्रूर जी, ठीक है, तो अक्रूर जी आ करके और वो कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर के मथुरा गए थे, तो उसका वर्णन किया कि सुफलक के पुत्र अक्रूर जी आए और वह कृष्ण और बलराम को यहां से लेकर मथुरा चले गए, ठीक है, और क्यों लेके गए उसका कारण बताया, आगे कहा वहां कंस हुआ है हम दीनन को दोनों काज संवारे, कि यहां से कृष्ण और बलराम को लेके चले गए, तो कृष्ण ने क्या कर दिया, कंस को वहां पे मार दिया, ठीक है, अपना काम करा लिया, क्योंकि कंस वहां पे अत्याचार फैला रहा था, लोगों को दुखी दुख दे रहा था, तो कृष्ण को ले गए और कृष्ण बलराम वहां पहुंच कर उन्होंने कंस को मार दिया और हम दीनन को और हमें विरह में छोड़ दिया, हमसे कृष्ण को दूर कर दिया, दोनों काज संवारे, अपने दोनों काम उन्होंने करवा लिए, एक पंथ दो काज,
कृष्ण को लेके गए, अपना काम कराया, कंस का वध भी करवा दिया और हम गरीबों को, हम दीनों को, हम दुखियारियों को अकेले छोड़ दिया। तो इतने चालाक होते हैं मथुरा के लोग कि अपना काम बहुत आसानी से क्या करते हैं, कर लेते हैं, निकाल ले जाते हैं और दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए क्या मधुबन सब कृतज्ञ धर्मी, इसीलिए व्यंग किया कि उन्हें दूसरे की चिंता नहीं होती है, इसलिए उनको क्या कहा, परोपकारी कहा, कृतज्ञ कहा, व्यंग किया उनके ऊपर। ठीक है, आगे कहा हरि को सिखे सिखावन हमको अब उठो पग धारे मधुबन सब कृतज्ञ धर्मी। और अब कहा कि पहले सुफलक के पुत्र अक्रूर जी आके ले गए और अब कौन आया है, कृष्ण ने जिसको सिखाकर भेजा है, कौन, उद्धव। हरि को सिखे सिखावन हमको अब उद्धव पग धारे, कृष्ण ने जिस उद्धव को निर्गुण ज्ञान का उपदेश सिखा करके भेजा है वह उद्धव आकर अब हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहा है। ये मथुरा के लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत सयाने होते हैं और इन्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं होती। अभी बात समझ में, आगे कहा दासी रती की रती के यहाँ जोग विस्तारे मधुबन सब कृतज्ञ धर्मीले। कहा कि वहां तो कृष्ण दासी के साथ, कुब्जा के साथ प्रेम में लीन है, आनंद मना रहे हैं और हमें यहाँ उद्धव के माध्यम से निर्गुण ज्ञान का पालन करने का उपदेश भिजवा रहे हैं। देखो वहां हुए दासी रति की रति के यहां जोग विस्तार, यानी कि वहां दासी के साथ लीन है प्रेम में, आनंद मना रहे हैं और यहां उद्धव के माध्यम से हमें निर्गुण ज्ञान का संदेश भिजवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब या विरह समुद्र सबय हम बूढ़ी चाहती नहीं। ठीक है, यानी कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण से दूर रहकर जो विरह का समुद्र है उस समुद्र में हम डूबना नहीं चाहते हैं। डूबती बूढ़ी चाहती नहीं कि कृष्ण से दूर होकर के हम विरह के समुद्र में डूबना नहीं चाहते हैं, यानी कि उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं उस निर्गुण ब्रह्म को नकार रही हैं, उन्हें अपने उस सगुण कृष्ण से प्रेम है, उन्हें उस अवतारी कृष्ण से प्यार है जिसका उन्हें सानिध्य चाहिए, जिसका उन्हें साथ चाहिए, जिसके साथ वह खेलती हैं, कूदती हैं, रास रचाते हैं कृष्ण जिनके साथ। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण से दूर रहकर हम विरह के समुद्र में डूबना नहीं चाहते हैं। और लीला सगुन नाव ही सुनु अली ते ही अवलंब रही, कि हमारा जो जीवन है उस जीवन रूपी जो हमारा हमारी जो सवारी है इस जीवन को हम सगुण भक्ति की नाव में रख करके ही पार कर सकते हैं, इस भवसागर को पार करने के लिए। यानी कि गोपियों का स्पष्ट यहाँ कहना है कि सगुण भक्ति के माध्यम से ही वह अपनी जीवन रूपी जो नाव है उस नाव को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहती हैं, यही उनके जीवन का अवलंब है। यानी कि सगुण भक्ति और कृष्ण ही उनके जीवन का सहारा है, वही उनका आधार है। ऐसे में निर्गुण ब्रह्म का यह उपदेश, निर्गुण ज्ञान का यह उपदेश उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। और कहा अब निर्गुण ही गहे जुवती जन पार ही कहो गई को। ठीक है, कहा कि हम जो युवतियां हैं, हम जो गोपियां हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारे समझ में यह निर्गुण ज्ञान की बात, निर्गुण ज्ञान की बातें हमारे समझ में नहीं आती है। हम उस सगुण कृष्ण को ही जानते हैं, उसी के प्रेम को जानते हैं और उसी के सहारे हम इस जीवन को जीना चाहते हैं, इसलिए निर्गुण ज्ञान का उपदेश हमारे समक्ष किसी भी तरह से तार्किक या हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और कहा सूर अक्रूर छपद के मन में नाहिन त्रास दई को। अंत में कहा कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि एक अक्रूर जी जो कि आकर के कृष्ण और बलराम को ले गए और दूसरे ये उद्धव जिसको कृष्ण ने स्वयं अपना संदेश वाहक बनाकर भेजा है, क्या इनके हृदय में जरा भी डर नहीं है,
जरा भी ये घबराते नहीं है कि इतना अनर्थ आकर के ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। जुल्म ढाना क्या है, एक तरफ कृष्ण को दूर लेकर मथुरा जाना और दूसरा आकर के इनको निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना जो कि इनके लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है। यानी कि गोपियां किसी भी कीमत पर कृष्ण से दूर रहना नहीं चाहती हैं। सगुण भक्ति ही उनका आधार है, कृष्ण ही उनके अवलंब है, कृष्ण का प्रेम ही उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहती है मधुबन सब कृतज्ञ धर्मीले, व्यंग किया कि सब लोग बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े धर्मीले हैं। यानी कि इसमें एक कटाक्ष छिपा हुआ है, उल्टी बात छिपी हुई है। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि आप लोगों ने, चाहे वो अक्रूर हो चाहे वो उद्धव हो, आप सब सब लोगों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म ढाया है, हमारे कृष्ण को हमसे दूर करके रखा है, जो बात उन्हें पसंद नहीं है। आगे समझिए, स्पष्ट है? यस सर, ठीक है, आगे।